छतरपुर में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीरें सामने आई हैं। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते गेट पर ही एक प्रसूता का प्रसव हो गया। दरअसल बगौता की रहने वाली तीज बाई की डिलीवरी होनी थी, जिसको 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया, लेकिन नर्स को बुलाने पर भी नर्स समय पर नहीं पहुंची तो अस्पताल के गेट पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं 108 AMT स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि कॉल के बाद जब वह प्रसूता को लेने घर पहुंचे तो वहां परिजनों ने थोड़ी देर कर दी थी, और उसके बाद जब जिला अस्पताल पहुंचे तो नर्स को बुलाया गया, लेकिन नर्स ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और देर कर दी। इसकी वजह से डिलीवरी अस्पताल में हो गई। वहीं पूरे मामले में CMHO ने जांच के बाद लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये आपके द्वारा ही संज्ञान में लाया गया है कि किसी प्रसूता की डिलीवरी जिला अस्पताल में बाहर हो गई है, इसकी मैं जांच कराता हूँ। इसमें CS से ही बात करूँगा, जिसमें जो भी दोषी होगा उसमें सख्त सजा दी जाएगी। इन्होंने कॉल किया 108 पर, भोपाल से फिर कॉल आया हम लोगों के पास, 4 बजे का टाइम था। उसके बाद हम लोग, इन्होंने क्या है, पहले एड्रेस कंफर्म नहीं कराया सही से, जी भगवता के रहने वाले हैं, और उसके बाद सीन इनके पास पहुँचे तो सीन पे भी इनने काफ़ी टाइम लिया। उसके बाद यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी दिक्कत हुई, क्योंकि ऊपर एक तो OPD का पर्चा बनाने में दिक्कत हुई, दूसरी चीज़ ऊपर जाके सिस्टर्स को जब बोला तो सिस्टर ने इतना लेजी तरीके से लिया उसको, पेशेंट को, कि उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया नीचे तक आने में। तब तक संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।